भाई उसे भरपूर गेंद की सारे उसे भरपूर गेंद की सारे उसे भरपूर गेंद की सारे उसे भरपूर गेंद की ठहरो 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 मेरा जाए इस वक्त की पॉइंट रिगेन करने के लिए साई मुस्तफा को सुबह डाली साई मुस्तफा ने गायर किया इसको स्कैन लेके चले वहां पे फील्डर मौजूद आज जो यहाँ पे मैच होने जा रहा है ये कमरे स्टेडियम गांदरबल में है। यहाँ पे इससे पहले आज तक कभी नाइट मैचेस नहीं हुए हैं। ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार ऐसे नाइट मैचेस यहाँ पे हो रहे हैं। तो आज हमने एक ट्रायल बेसिस पे यहाँ पे नाइट मैच कराया है क्योंकि हमें यहाँ पे हम चाहते हैं कि ऑलरेडी और ज्यादा नाइट मैचेस हों, क्योंकि हमने अभी सोचा कि हम पहले जो भी यहाँ पे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं हमारे वो पहले एक ट्रायल बेसिस पे एक नाइट मैच खेलें। हम थोड़ा सा सिनेरियो यहाँ पे मैच का चेक करेंगे कि कैसा रहेगा, तो उसके बाद अगर हमें कंफर्टेबल लगा यहाँ पे तो हम लोग इंशाल्लाह मैच 20 सेकंड से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा लाइट्स जो टेक्निकली यहाँ पे ठीक नहीं है, थोड़ा नीचे की ओर है, तो उसी हिसाब से हम लोग ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। तो इंशाल्लाह आज जब हम मैच खेल के इस बारे में हम डिसीजन लेंगे तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे फिर 20 सेकंड से। हमारे जो T20 टूर्नामेंट है 64 टीम्स के वो रेगुलरली चल रहे हैं गांदरबल में, यहाँ के डिफरेंट एरियाज के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आज प्लान किया था कि यहाँ कमरिया ग्राउंड में नया लाइटिंग सिस्टम बना है, तो इसमें अगर नाइट मैचेस इनॉग्रेट किया जाए और बच्चों को मोटिवेट करके करवा के यहाँ मैचेस करवाए जाएं। और उससे क्या है कि आपने इवनिंग में देखा पूरे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के पेरिफेरी के बच्चे यहाँ आए हैं, तो इन एक्टिविटीज में जो इवनिंग का टाइम है खासकर वो इफेक्टिवली और प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कामयाब होगा और इसके बाद यहाँ हम कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट्स काउंसिल और हायर अथॉरिटीज से ये मैटर टेकअप किया जाए, क्रिकेट की एक्चुअल लाइट्स होती है उनका इंतजाम किया जाए, सो दैट खेलने का अच्छा माहौल बने। स्टेडियम तो अच्छा बन ही गया है और जितनी अच्छी गेम खेलेंगे जितना पार्टिसिपेशन करेंगे स्पोर्ट्स में इतना उनके कंडक्ट के उनके बिहेवियर में उनके एक्टिविटी में सब में सुधार आएगा। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा माहौल बनने वाला है।